आज कुछ नहीं कहने आ रहा हूँ, सबको प्रणाम कर रहा हूँ, मैनपुरी जनता को प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद दे। ये सेवक है, विधायक सांसद नहीं बनते, जनता के सेवक बनते हैं। माननीय भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास जताने का काम किया है, छोटे से कार्यकर्ता पर, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश निदेशक को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। वो पूरी मैनपुरी की जनता, हमारी इटावा की जनता, जसवंतनगर की जनता, सभी को प्रणाम करके आज भी निकल रहा हूँ। सभी को यहीं से निवेदन कर रहा था, माता रानी को प्रणाम करके निकल रहे हैं, सभी को प्रणाम करके आज निकल रहे हैं। और यहाँ एक नया रास्ता आज स्टार्ट हुआ है, नई उसमें जाने का काम कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं। मैनपुरी में हम सेवक बन के जा रहा हूँ, हम कोई बड़े घराने के नहीं है, किसान के बेटे हैं। तो किसान का बेटा हमेशा सेवा करने का काम करता है। उसी रास्ते पे जो यहाँ इटावा के लोगों ने इसने प्यार दिया, दो दो बार एमपी बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, इटावा के इतिहास बदलने का काम इटावा की जनता ने करने का काम किया था, जो दो बार कभी कोई जीता नहीं था, रघुराज साह को इटावा की जनता ने दोबारा जिता के दिल्ली की पंचायत भेजने का काम किया था। मैं जसवंत नगर विधानसभा बोई है, वहां भी वही इतिहास बदलने का काम होगा। किसान का बेटा जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम, रघुराज सिंह नहीं जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। हम तो एक सेवक हैं। नामांकन में कौन कौन मौजूद होंगे आपके साथ में? सभी रहेंगे, पूरे पूरा प्रदेश नेतृत्व रहेगा, डिप्टी सीएम रहेंगे हमारे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, सभी मंत्री रहेंगे, तमाम विधायक रहेंगे, तमाम सांसद रहेंगे, सब लोग रहेंगे, पूरी जनता रहेगी साथ में। जनता कितनी अहम टक्कर मान रहे हैं? टक्कर यार क्या टक्कर है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम सेवा करने के लिए। टक्कर तो देखिए चुनाव है, जनता से कोई टक्कर होती है? जनता की सेवा करने के लिए यार, जनता से क्या टक्कर भाई, वे बड़े लोग हैं, राजघराना लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अब बड़े छोटे की लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई, जनता के बीच में सेवा करने जा रहे हैं। कोई नहीं, सब बड़े हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। माननीय नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं है, सपोर्ट इतनी रहेगी, आम आदमी कहाँ से मिल सकता, विधायक सांसद नहीं मिल सकते। रघुराज साहब को दुकान पकड़े, कहीं पकड़ लो, जहाँ मिलने का काम कर लो, वो यही चाहता है। जनप्रतिनिधि तो होता है, वो सेवक होता है, अरे नहीं, जनता का, वो जनता का कर्जदार होता है, जनता वोट देने का काम करती है, तो हम लोग कर्जदार होते हैं जनता का, तो जनता के हम लोग ऋणी हो जाते हैं, उस ऋण को चुकाने का उनका हम लोगों का पूरी जनता का अधिकार बनता है। कुछ भी कहने के, कुछ के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। मैनपुरी के हमारे सभी अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे सब लोग जिले के इटावा के भी अध्यक्ष हैं, सब लोग पूरे सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जसवंतनगर की जनता दे रही है, मैनपुरी की सभी विधानसभा में आशीर्वाद दे रही है, एक एक नागरिक आशीर्वाद देने का काम कर रहा है। और ये लड़ाई मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी, मैनपुरी में कमल खिलने का काम होगा। 8 तारीख को जब मतदान खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जीतने का काम होगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी।